Good morning, friends. Yesterday we have completed the exercise 1.3 and we have also discussed about root 5. Show the root 5 is a rational number and then we have proved that. Another example we have to look at here. Show that 3 plus 2 root 5 is irrational number. हम इस तरह के नंबर को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हम वी विल रिकॉल द एग्जांपल दैट वी हैव प्रूव्ड यस्टरडे दैट हाउ टू मेक रैशनल व्हेन रूट 5 इज गिवन द प्रोसीजर दैट वी हैव फॉलोड इन रूट 5 वी विल फॉलो सेम प्रोसीजर इन दिस एग्जांपल लुक एट इट फर्स्ट वी सपोज दैट लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर Look at it. We need to prove 3 plus 2 root 5 is a rational number. But we will suppose that that is rational. Later on, we will contradict with this statement and again come to the topic that yes, it is irrational numbers. Okay? So we know that whenever any rational number given, we know that, that all number can be expressed in V by 2 forms. So, 3 plus 2 root 5 equal to A by B because 3 plus 2 root 5 is rational. It is suppose. So that is expressing A by B form. What is A and B? Where A and B are co-prime number. Remember, press this co-prime numbers and B not equal to 0. This is very important statement in these questions. Now look at it. Here 3 given by taking 3 this side so that will be become a minus b minus 3 क्या किया यहाँ पे plus 3 यहाँ पे था उसको equal to a side को मैंने ले लिया तो plus था क्या बन जाएगा minus बन जाएगा right अब देखो 2 root 5 equal to यहाँ पे LCM में लेने क्या बनेगा a minus b हमें कितना हो जाएगा 3b by b right friends अब देखिए अभी भी हमारे पास रूट 5 के बाजू में 2 पड़ा हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन में तो उस 2 को भी मैं नीचे रख देता हूं तो a माइनस 3 की बाय 2 की बनेगा देखिए सी ऑल आर मैथमेटिकल स्टेप इसमें कोई नया स्टेप मैंने लिखा नहीं है एज ए इन नॉर्मल मैथ से किया है मैंने अब देखिए a और b a by b दिस नंबर को हमने क्या सपोज कर दिया था रैशनल नंबर सपोज किया इस तरह से आप इसीलिए हमने इसको a by b के फॉर्म में लिखा बार ए और बी क्या था कोप्राइम नंबर था और वहां पे बी नॉट इक्वल टू 0 था राइट अगर रेशनल नंबर सपोज कर लिया है तो यहां पे आप देख सकते हैं ए और ए बाय बी क्या है रेशनल नंबर है तो हियर ए माइनस 3 बी बाय 2 बी इज रेशनल नंबर राइट फ्रेंड्स ये ऊपर से ही हमने सपोज करके रखा हुआ ए बाय बी के इक्वल टू कौन सा नंबर दिया हुआ है ये सो ये जो क्वेश्चन है ए बाय बी वाला वो क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया वो वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स बी नॉट इक्वल टू 0 बट लुक एट द एलएचएस साइड वहां पे हमें रूट 5 दिया हुआ है बट यहां से फ्रेंड्स यहां जो करना है बट रूट 5 इज यहां पे लिखेंगे सो रूट 5 शुड बी रेशनल नंबर तो फ्रेंड्स वी नो दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर यहां पे देख सकते हैं रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b बाय 2b a माइनस 3b बाय 2b तो रैशनल है ही क्योंकि ऊपर जैसा पोजीशन चल रही है तो अगर ये पोजीशन रैशनल है तो उसके बराबर रूट 5 दिया हुआ है तो रूट 5 भी रैशनल होना चाहिए सो रूट 5 शुड बी रैशनल नंबर बट वी नो दैट root 5 is irrational number right friends so our supposition is wrong so assumption likhi ya supposition likhi assumption is wrong to right kya hai right wahi hai ki 3 plus 2 root 5 kya hoga irrational number hoga 3 plus 2 root 5 is irrational numbers simple I will be noting it look at the idea again kya diya tha
3 plus 2 root 5 को irrational पर throw करना है, तो suppose करेंगे कि वो rational है, ऐसा हम suppose कर लेंगे, अगर rational है तो उसको हम a by b के form में लिख सकते हैं, a और b क्या है, co-prime number से, वहाँ पे b not equal to 0 है, right? यहाँ पे मैंने simple math किया, क्या किया? यहाँ पे सभी इस प्रकार के सब में आपको याद रखना है कि रूट वाला जो पोर्शन है उसको इक्वल टू भी एक बार कर देना है, बाकी सभी टर्म उसको एक बार कर देना है। देखिए मैंने वही किया, पहले 3 इसको 3 ला दिया, फिर 2 रूट 5 के बाद में से 2 को यहां ला दिया, सिर्फ रूट वाला टर्म 5 बचा था उसको मैंने इक्वल टू भी एक बार कर दिया। बस यहां तक आपको जाना है, बाद में आपको लिख देना है कि ये जो a by b वाला पोर्शन है वो तो रेशनल बनने की बात है क्योंकि ऊपर से सपोजिशन चल रही है। अगर इक्वल टू का ये पोर्शन रेशनल है तो उसके बराबर क्या दिया हुआ है, रूट 5, तो ये भी रेशनल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सपोजिशन, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो राइट क्या है, वही है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज अबाउट 7 रूट 5 एंड वी नीड टू प्रूव दैट इट इज इरेशनल नंबर। So again, we will follow the same procedure that we have followed in the last example. We will suppose that 7 root 5 is a rational number. Like this, इस प्रकार के example में हम उल्टा ही suppose करेंगे। Irrational prove करने को बोला है तो हम rational suppose करेंगे। एक बार रेशनल सपोज हो जाता है तो रेशनल की सभी प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा, ऐसा हमने सपोज कर लिया है। तो वी नो दैट कोई भी नंबर रेशनल बनता है तो उसको हम a by b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट मींस 7 रूट 5 इक्वल टू a by b, बट व्हाट्स अबाउट a एंड b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स। रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर दिस, co-prime numbers and b not equal to 0, because we know that in rational number the denominator never be 0, so here b not equal to 0. Same way, just I have discussed that आपको इस प्रकार के example में क्या करना है, तो आपको root वाला portion है वो equal to 1 मान को set कर देना है, बाकी जितने भी term इसके साथ जुड़े हुए हैं उसको equal to के दूसरे साथ हम exist कर लेंगे, right? तो यहाँ से आप देख सकते हैं रूट 5 के बाद में 7 मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है, इक्वल टू के ए साइड पे लागू होता जाएगा, वो डिवीजन में जाएगा, तो डेफिनेटली वो इस तरह से बन जाएगा a by 7 b, राइट फ्रेंड्स। अब तो रूट 5 के बाद में कोई नंबर नहीं है तो ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया, बट अकॉर्डिंग टू सपोजिशन वी नो दैट a by 7 b इज अ रैशनल नंबर, देखिए इक्वल टू का ये पोर्शन रेशनल है तो इक्वल टू के बराबर ये वाला क्या दिया हुआ रूट 5 दिया है, तो रूट 5 भी क्या बनना चाहिए रेशनल बनना चाहिए, सो लिखेंगे हम रूट 5 शुड बी रेशनल नंबर, राइट फ्रेंड्स। बट वी नो दैट रूट 5 is irrational number, देखिए हमारे प्रूफ में रूट 5 क्या बन रहा है रैशनल बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन या अजम्पशन दोनों में कुछ भी लिख दीजिए इज रॉन्ग। तो राइट क्या हो गया, भी राइट वही हुआ कि 7 रूट 5 इरेशनल नंबर है, सो 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। राइट फ्रेंड्स, क्या किया है 7 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने उल्टा प्रूव कर सपोज कर लिया कि वो रैशनल है, अगर वो रेशनल है तो रैशनलाइज की रैशनल नंबर की सभी प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी वो थी कि वो a by b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वहां पे a और b क्या था co-prime नंबर एंड b नॉट इक्वल टू 0। मैंने उस प्रकार के एग्जांपल में कहा था कि आपको रूट वाला पोर्शन एक बार कर देना है, बाकी इसके साथ जितने भी टर्म जुड़े हुए हैं उसको एक बार सेट कर लो,
तो यहां देखिए रूट 5 को यहां रख दिया मैंने, इसके बाजू में 7 था उसको यहां लाया इक्वल टू के ए बाजू में, तो कहां चला गया क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवीजन में जाएगा राइट। अब a by 7 भी तो क्या है रैशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू सपोजिशन, अगर ये पोर्शंस रैशनल है तो ये तो इक्वल टू के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल इक्वल है, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल बनेगा। देखिए सो रूट 5 शुड बी रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल बनना चाहिए, बट वी नो दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो राइट क्या है 7 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। Okay friends, look at here. Next exercise 1.4. This is about look at the question number 1. Without performing long division, हमें long division नहीं करना है. And हमें check करना है कि check whether following rational numbers will have terminating decimal expansion or not. जो rational number हमें दिए हैं यहाँ पे, उसका जो decimal expansion है, वो terminating है कि नहीं वो हमें check करना है. Friends देखिए long division से तो पता चल जाता है, हम जो long division इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, तो इससे तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नहीं। बट हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करना नहीं है, तो लॉन्ग डिवीजन किए बिना हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नंबर गिवन इन दिस हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट। तो फ्रेंड्स इन दिस व्हाट वी हैव टू डू, यू नीड सपोज डेसिमल नंबर गिवन इन पी बाय टू फॉर्म वी नो दैट right, so we have to focus only at denominator, sirf kahan dekhna hai hame, sirf denominator mein dekhna hai, koi bhi rational number aapko diya ho uska denominator hi dekhna hai, fir se main bol raha hu kya dekhna hai denominator, agar is example dekhenge na to hum sirf iske hi baat karenge, ye do question pe baat karenge not about denominator, sirf hame denominator ke baare mein baat karni hai, if the denominator have prime factorizations about number 2 and 5. अगर denominator में जो number लिखा हुआ यहाँ पे तो q है, denominator के prime factorization अगर 2 raised to n into 5 raised to n के form में अगर आता है, तो वो rational number का जो decimal expansion है, वो terminating होगा। फ्रेंड्स अब ये क्या बता रहा है 2 raised to n into 5 raised to n, देखिए ये तो 2 and 5 तो नंबर्स है, लेकिन व्हाट्स अबाउट m एंड n, तो m एंड n आर क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रेंड्स याद रखना है ये क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो सकता है बट नेगेटिव में, अगर आपका रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर ये फॉर्म में आ जाता है 2 raised to m into 5 raised to n, तो वो नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। इसके अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, अगर इसके अलावा इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 एंड 5 ही होने चाहिए, अगर इसके अलावा तो तीसरा नंबर आ गया है तो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा नहीं। इट मींस सपोज करो सिर्फ 2 आता है 5 इज टू एन नहीं आता सिर्फ 2 इज टू एन ही आता है तो भी वो डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज क्या है सपोज के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं 2 5 4 लिखा मैं, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नहीं वो हमें चेक करना है, तो सिर्फ हम क्या चेक करेंगे डिनोमिनेटर चेक करेंगे। अब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन आप देखोगे तो वो 2:2 बता रहा है राइट, इसके पास 5:2 है तो नजर नहीं आ रहा, बट आई नो मैं इसके बाद में 5:0 लिख सकता हूं, 5:0 टू बी टू ऑलवेज 1 होगी और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2:2 ही रहेगा, तो आप पूरा फॉर्म देखिए क्या इसके साथ मैच कर रहा है बिल्कुल कर रहा है राइट, तो जब भी अकेला 2:2 है अकेला 2 आ रहा है तो भी वो टर्मिनेटिंग बनेगा, अकेला 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग बनेगा क्योंकि जो बचा हुआ है वो 0 पावर के साथ हम लिख देंगे, अगर दोनों आते हैं तो वेरी बेस्ट राइट, तो सिर्फ हमें क्या करना है ओनली वी नीड टू टॉक अबाउट दी denominator. If the denominator contains factors like 2 and 5, then we can say the decimal expansion of that number will be terminating. Otherwise, we cannot say that the numbers given in this having terminating decimal expansion. Okay? Now discuss about it. Look at it. Check the decimal expansion of this number will have terminating decimal expansion or not. तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या करना है सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखने हैं, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में
टू और फाइव आ रहा है, सिर्फ टू और फाइव, इसके अलावा तीसरा कोई नंबर चलेगा नहीं, या तो अकेला टू आ जाए, या तो अकेला फाइव आ जाए, या तो दोनों साथ में आ जाए, ये तीन केस ही है। इसके अलावा तीसरा कोई नंबर आ जाता है तो उसका किसी में एक्सपांशन टर्मिनेटिंग करेगा नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो क्यू डिनोमिनेटर है वो है 3125, राइट। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5, राइट। अच्छे से चेक कर लेना, इज इट ट्रू? यस, है ना। 5 × 5 इसका मतलब ये हुआ कि 5 × 5 में लिखूंगा, जैसे मैंने अभी कहा था, अकेला टू आ जाए या अकेला फाइव आ जाए या दोनों साथ में आ जाए, तो मेरे पास आ गया 5 × 5। ये नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा नंबर आया है? 5 × 5। यस, सो ये नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग बनेगा। सो हम लिखेंगे यहां पर हियर द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ कोई भी डिनोमिनेटर है उसका सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ दो ही फैक्टर आने चाहिए, या तो दो या तो पांच, इसके अलावा तीसरा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। क्या भी देख सकते हैं सिर्फ पांच आया तो यस उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग बनेगा, राइट। फ्रेंड्स दूसरा देखिए लिखा है मैंने 1600, ये मैं अब कर लेता हूं यार, इस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या बनेगा? देखिए क्या लिखा है, सिर्फ हमें तो डिनोमिनेटर के बारे में बात करनी, लेट मी टॉक अबाउट डिनोमिनेटर, दैट इज अबाउट 1600, राइट। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए कितना होगा, 100 मतलब 10 × 2 या तो इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। फिर क्या होगा, ये 10 × 2 बनेगा और ये क्या बनेगा, 2 × 4 बनेगा, राइट। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि कोई भी रेशनल नंबर है उसका क्यू है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, 2 × 2 × 5 × 2 के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेटिस्फाई दिस कंडीशन, देन ओनली वी कैन से द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दैट नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। सो लुक, आपको लगता होगा कि सर 2 आ गया या 10 है, तो आपको पता होना चाहिए kn के प्राइम फैक्टराइजेशन में आप जाओगे तो यू विल फाइंड 2 × 5 × 2 × 2 × 4, राइट। वही कहानी आगे हुई, इसमें 2 × 2 कर लेता हूं, 5 × 2 कर लेता हूं, या फिर 2 × 4 कर लेता हूं, देखिए। और आपको ये रूल तो पता ही होगा, बेस जब भी इक्वल होता है तो पावर का एडिशन होता है, तो ये बन जाएगा 2 × 6 × 5 × 2, ये फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, ये डिनोमिनेटर, राइट। तो देखिए 1600 का जो डिनोमिनेटर था उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख सकते हैं वो बिल्कुल 2 × 2 × 5 × 2 के फॉर्म में आ गया। दस वी कैन से इट हैज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए तो 5 × 7 × 13 बनेगा, राइट। लेकिन रूल क्या बताया था मैंने, P by Q में P का स्वरूप कैसा होना चाहिए,
टू एस टू एम इंटू फाइव एस टू एन, और इसके अलावा कोई थर्ड नंबर वहां पे नहीं होना चाहिए, या तो अकेला टू होना चाहिए, या तो अकेला फाइव, या तो दो, इसके अलावा तीसरा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, या तो दो तो बैठे ना, देखिए सेवन और थर्टीन दोनों आ रहे हैं, तो आगे कुछ बात नहीं करनी, या तो सीधा वो एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यहां लिखेंगे इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, बिकॉज रीजन में क्या डालेंगे, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टू रेस टू एन इंटू फाइव रेस टू एन, ये रीजन होगा राइट, क्योंकि फाइव तो आ रहा, सपोज कर लीजिए यहां पे टू भी आ रहा है तो अब ये टर्मिनेटिंग नहीं बनता, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, इसी के दो नंबर चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, या तो दो दो आ गए, सेवन भी एक्स्ट्रा आ रहा था, थर्टीन भी एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इसका जो डिनोमिनेटर था वो जो हमारी कंडीशन में नहीं बैठ रहा था, जो ये फॉर्म में होना चाहिए था, जो ये फॉर्म में नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई द नंबर गिवन 64 बाय 455 डजंट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, लुक एट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, without round division check whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or not, वो तो हमने चेक किया, लेकिन अब next question मैंने ऐड किया है कि अगर terminating है तो find the decimal expansion, अगर terminating है तो उसका decimal expansion क्या होगा वो भी find करके लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए पहले हम चेक करेंगे कि वो terminating है कि नहीं, तो देखिए 13 बार इसका क्या होगा 5s2 5 बनेगा राइट फ्रेंड्स, अभी 5s2n के फॉर्म में आ गया है तो टर्मिनेटिंग तो है राइट, लेकिन हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो फ्रेंड्स एक बार याद रखना मैथ्स में अगर मान लो 2/5 लिख रहा हूं यहां पे, अगर ये नंबर को मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो कोई 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा जो क्वेश्चन स्टार्ट 2/5 उसमें कोई चेंज आएगा नहीं राइट, लेकिन ऊपर भी 3 से कट कर लो आगे से मेरा क्वेश्चन ही बचा। एक बात याद रखना कि अगर सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी डू नॉट हैव एनी चेंज इन आवर ओरिजिनल क्वेश्चंस, तो फ्रेंड्स याद रखिए हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, तो याद रखिए जो डिनोमिनेटर है उसको आपको ऑलवेज ऑलवेज आपको ये फॉर्मूला लाना है 2s2n × 5s2n के फॉर्मूला लाना है, ये फॉर्म बनाना है नीचे, यहां पर अभी तो 5s2n नजर आ रहा है, इसके बाद में 2 की कुछ पावर चाहिए, 2 चाहिए मुझे, और अभी मैंने यहां बताया जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो ना वो ऊपर नीचे दो दो बदल कर दीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा राइट, तो यहां पर 5s2 5 है वो तो गिवन ही है, याद रखना जितनी भी पावर यहां पर है उतनी ही पावर 2 के सर पर रखते हैं, अब ये तो एक्स्ट्रा डाल रहा है ना मुझे भी पता है क्योंकि यहां तो था नहीं, यहां मैंने एक्स्ट्रा डाला ऊपर भी डाल देता हूं 2s2 5, क्वेश्चन मेरा था 13, अभी ये 13/5s2 5 ये रिपीट कर दिया और ये जो मैंने एक्स्ट्रा डाला उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी राइट, अब देखिए 13 × 2s2 5 2s2 5 हो गया और नीचे आप देख सकते हैं 5 × 10 राइट फ्रेंड्स, नाउ स्टील वी नीड टू मल्टीप्लाई अवर न्यूमरेटर दैट इज अबाउट 13 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 दैट विल बिकम 416 डू योरसेल्फ एंड लेटर ऑन 10s2 5 इट मींस 5 × 10 राइट, कितने डिजिट काट लेंगे ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट काट लेंगे तो क्या होगा मेरा न्यूमरेटर 0.00416 राइट, तो ये था रिक्वायर्ड डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ गिवन नंबर, उसमें दोनों क्वेश्चन पूछे गए कि पहले चेक कर लीजिए कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो पहले डिसाइड कर लिया कि हाँ वो टर्मिनेटिंग है बाय दिस प्रोसेस, लेटर वी आर आस्क्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट डेसिमल एक्सपेंशंस that we have found here, that will be about 0.00416.